वेलकम टू न्यू वीडियो यार। इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वैसे तो थंबनेल के थ्रू आप लोगों को वैसे भी पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो कल लिनक्स था वो तो आ ही चुका था यार M1 के लिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, लेकिन 1.2 जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी काफी टाइम पहले आ गया था। मैं वीडियो बनाने में काफी ज्यादा लेट हो गया, और इस वाली वीडियो के अंदर हम पैरेलल का यूज करके उसको वर्चुअलाइजेशन करने वाले हैं और इंस्टॉल करने वाले हैं, और इस वाली वीडियो को 3 स्टेप्स में काटने वाले हैं। पहला स्टेप होने वाला है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पैरेलल को डाउनलोड करेंगे और उसको एक्टिव कैसे करना है वो बताऊंगा। सेकंड स्टेप के अंदर हम ISO इमेज डाउनलोड करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यार, अगर आपके पास इंटरनेट ज्यादा नहीं है और अगर आप नहीं चाहते फालतू में टाइम वेस्ट हो तो ये वाली पार्ट जरूर देख लेना, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट किया है और आई थिंक 10-12 GB भी खराब किया है, तो मैं नहीं चाहता आपका भी वो चीज खराब हो। और तीसरी चीज है जिसके अंदर हम इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, इंस्टॉल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से वर्क कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है और सारी चीजें। तो फटाफट चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले यार हमें पैरेलल डाउनलोड करना है ताकि हम उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन कर सके, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे डालने के बाद आपको पहली वेबसाइट देखने की मिलेगी, ये वाला एडवर्टाइजमेंट है याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है एड, तो ये वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो इसको ओपन करेंगे अपन, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखा हुआ है और यहाँ पे ट्राई टेक्निकल प्रीव्यू लिखा हुआ है, इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करके एक नई विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो आपको अकाउंट पहले क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर रखा है, इसीलिए ये डायरेक्ट मुझे ये चीज़ दे रहा है। अब जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे थोड़ा सा, तब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन। तो यहाँ पे ये वैसे तो यार इसके लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल प्रीव्यू है, ये टेस्टिंग कर रहे हैं इसकी, इसीलिए आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन देखने को मिल जाता है और एक्टिवेशन की भी देखने को मिल जाती है। सभी की डिफरेंट होगी आई थिंक, तो मैं अपनी शो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, जाके डाउनलोड होना शुरू हो जाए, एंड ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल करना काफी ज्यादा आसान है, डबल क्लिक करेंगे सिंपली इसके ऊपर और ये ओपन होगा, यहाँ पे इंस्टॉलर का हो जाएगा डायरेक्ट, इस पर भी डबल क्लिक करेंगे ओपन और ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। एंड अभी इसको है ना एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड चाहिए ताकि ये इसको इंस्टॉल कर सके, तो हम इसके अंदर पासवर्ड डालेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है परफेक्टली, अब इसको काट देंगे सबसे पहले। तो हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, आप चाहें तो अगर ओपन नहीं होता है तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, कुछ इस तरह का पहली बार दिखेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक्टिवेशन की जो मैं आपको बताई थी वो वहां से कॉपी करनी है, फिर यहाँ पे पैरेलल डेस्कटॉप जो लिखा हुआ है इस पे आएंगे, फिर यहाँ पे अकाउंट और लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, और फिर जो आपको एक्टिवेशन की मिली है उसके थ्रू आपको इसको एक्टिव करना है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसको। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो चुकी है, हमने पैरेलल डाउनलोड कर लिया और एक्टिव भी कर लिया, अब हमें क्या करना है, ISO में इसको डाउनलोड करना है। M1 के लिए आपको यहाँ पे 2 ISO इमेज देखने को मिल जाती है, तो दोनों में से आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है वो सारी चीज़ें मैं अभी इस वाले स्टेप में बता देता हूँ। तो पहला काम तो हो गया कि हमने पैरेलल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, अब हमें क्या करना है, ISO इमेज डाउनलोड करनी है 1.2 की, और वो डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे ये 2 लिंक आपको दूंगा, एक तो ये वाली और एक ये वाली आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी दोनों लिंक। तो पहली जो लिंक है यार, इसके अंदर आपको 20.04 का वर्जन आपको देखने को मिलेगा, और जो सेकंड है उसके अंदर आपको 21.04 का वर्जन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे जो 21.4 है ये मैंने डाउनलोड किया, इंस्टॉल करने की कोशिश की, ये रही वो ISO इमेज, बट उसके अंदर कुछ इस तरह का एरर आपको देखने को मिलता है, और इसमें यार इंस्टॉल तो हो जाता है बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये डाउनलोड ना करके आप जो 20.4 वाला वर्जन है वो आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसके अंदर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जो 64 बिट है ये है PC के लिए, ये हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें डाउनलोड करना है 64 बिट ARM के लिए। तो सिंपली यार इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड सेशन शुरू हो चुका है हमारे, तो डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट इसको, 2.18 GB की फाइल है ये, और वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाती। तो यार हमारी ISO में जब वापस डाउनलोड हो चुकी है,
तो पहली दूसरी स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। इस वाली स्टेप के अंदर हम इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे, काफी ज्यादा सिंपल होने वाली इंस्टॉलेशन स्टेप, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पैरेलल ओपन करना है सबसे पहले, ताकि हम इंस्टॉलेशन शुरू कर सके। अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है, जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो चीजें इंटेल के लिए बनी हुई है 86 आर्किटेक्ट के लिए वो इसमें नहीं चलेंगी, और जो ARM के लिए बनी हुई होगी। तो यार इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमने डाउनलोड की है वो हमने मैक M1 के लिए ही डाउनलोड की है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कर रहा है ड्रैग AVHDX या फिर ISO, तो हमने ISO डाउनलोड की है, तो हम यहाँ पे तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ए फाइल पे क्लिक करेंगे, और डाउनलोड वाले फोल्डर में हमारी रखी हुई है 2.18 GB की, तो इसको ओपन करेंगे। ISO फाइल है ये, और इसने ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर ली 1 2 Linux से। कंटिन्यू करेंगे, इसके अंदर कुछ नेम और बाकी सारी चीजें डालेंगे, तो पासवर्ड डाल देता हूँ सबसे पहले मैं, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, तो पासवर्ड थोड़ा छोटा है, वापस डाल देता हूँ मैं। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर से। आप अपनी मशीन का नाम क्या लिखना चाहते हैं, तो 1 2 Linux ठीक है, और कहाँ पे ये 1 2 मशीन सेव होगी, तो ये यहाँ पे है /vikassingh/parallel। और यहाँ पे मैं अपनी जो सेटिंग्स होगी वो कस्टमाइज करना चाहूंगा, ये आपकी इच्छा है। अगर आप इसको टक नहीं करेंगे तो 2 GB रैम और 2 Core CPU ऑटोमेटिक इसको चला जाएगा, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक आ गया है देखो। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले हार्डवेयर में आएंगे, हार्डवेयर में आने के बाद CPU रैम चेक करेंगे, तो मैं प्रोसेसर 4 Core कर दूंगा और रैम में कर देता हूँ 4 GB, और यहाँ पे सिंपली कट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU 4 है, मेमोरी 4 GB है, डिस्क स्पेस 68 GB है, और कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कैमरे का एक्सेस नहीं है, तो मैं नहीं देना चाहता, ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है कि माइक्रोफोन का भी इसको एक्सेस अभी तक नहीं मिला हो, तो ओके कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो फिलहाल यार फुल स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये वाली जब तक प्रोसेस कंप्लीट होती है, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को फटाफट। तो यहाँ पे कुछ 1 2 और कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके एंटर करेंगे। ओके, ये वापस रीस्टार्ट हो गया शायद। अब हम वापस 1 2 ही सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा यूजर, और स्टार्टिंग में जो पासवर्ड आपने डाला था वो आपको यहाँ पे भी एंटर करना है, एंड हिट एंटर। तो हमारा यार वर्चुअलाइजेशन पूरा कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ मैं, और बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम परफेक्टली ये फिट भी हो चुका है। इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं, और सबसे पहले यार हम इंटरनेट चेक कर लेते हैं कि इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गूगल में जस्ट लाइक कुछ भी टाइप कर देते हैं एक बार, तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है, नहीं कि वाईफाई का ऑप्शन है। एंड एनिमेशन और जितनी भी सारी चीज़ें थी वो एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही हैं। इसको शूट डाउन करते हैं सबसे पहले एक बार। तो जैसे आप शूट डाउन कर देंगे इसको, उसके बाद आपको एक और काम करना है। अब हम फिर से पैरेलल को ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरह का एक बॉक्स आएगा अगर आपने एक ही बना रखी होगी तो। और उसके अंदर बाद में आपको क्या करना है, स्टार्ट नहीं करना, उससे पहले आपको यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर पे आना है। यहाँ पे हम आएंगे CD-ROM पे, तो आप देख सकते हैं यार इसके अंदर इसने अभी तक डिस्कनेक्ट नहीं कर रखी, तो आपको डिस्कनेक्ट करनी है इसको। यहाँ पे डिस्कनेक्ट पे लिखा हुआ है, डिस्कनेक्ट कर देंगे, और CD-1 पे भी हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्रॉस, और अब फिर से प्ले करेंगे इसको, मतलब चलाएंगे इसको। तो अब ये परफेक्ट तरीके से चल रहा है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बस वही चीज़ें थी, सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। ऐप स्टोर में आ जाते हैं एक बार, ऐप स्टोर भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। रेजुलेशन जो था वो काली लिनक्स में जिस तरह से था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही है। जिस तरह से आप क्रिएट करेंगे इसको, वो ऑटोमेटिक उसी एंगल में मतलब रेजुलेशन में क्रिएट हो जाएगा। एंड फिलहाल इसको शट डाउन करते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, अगर फिर कभी डिलीट करना हुआ तो किस तरह से डिलीट करेंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पैरेलल के ऊपर, और यहाँ पे आएंगे इस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल सेंटर पे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक विंडो ओपन होगा छोटा सा, जिसके ऊपर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट करना है राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रिमूव 1 2 Linux, तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे और मूव टू टास्क कर सकते हैं। या फिर सेकंड तरीका होता है, इसकी जो ओरिजिनल फाइल्स होती हैं सबसे पहले इसको क्वाइट करेंगे। आपको आ जाना स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पे यूजर में आएंगे सबसे पहले। यूजर में आने के बाद आपका जो यूजर नेम है वो विकास। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पैरेलल नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी इसकी जो क्रिएशन है, साइज दिखाऊं तो 10 GB की क्रिएट हुई है, और इसको आप डायरेक्ट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यार वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तीनों स्टेप्स एकदम परफेक्ट तरीके से कर ली, और करने के बाद हमने इंस्टॉल भी कर लिया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको शेयर करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब इस वाले वीडियो को और लोगों तक दिखाए और प्रमोट करे। सिर्फ लाइक करने
करने के लिए बोल रहा हूँ, शेयर नहीं करना। और अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वो अपनी इच्छा पे है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।